नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं शेफ़ राजेश, देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, मैं आज आपके साथ अचारी श्रृंखला में अपनी अगली रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, अचारी कटहल उसका मसाला कैसे बनता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दोस्तों, कटहल तो हम खा गए, अब ये मसाला बचा हुआ है। तो अब इसी मसाले को यूज़ करते हुए मैं बनाने जा रहा हूँ अचारी पनीर, जिसके लिए ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और ये मसाला काफ़ी है इस पूरे पनीर के लिए। और इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने ली है आधी शिमला मिर्च और आधा प्याज। देखिए, इसको भी मैंने डाइस काट लिया है। और बस अब मैं इसको तैयार करने जा रहा हूँ, झटपट ही बन जाएगा। कभी मसाला बच जाता है तो उसको रीयूज़ करना है, फिनिश करना है। बहुत महंगाई है दोस्तों, तो इस महंगाई के टाइम में भैया जो पैसा बच जाए वही बहुत अच्छा। तो मैं बस झटपट शुरू करने जा रहा हूँ अपना ये अचारी पनीर। अचारी पनीर, जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने अचारी कटहल की रेसिपी रिसेंटली शेयर करी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि अचारी मसाला कैसे बनाना है। तो बस शुरू करता हूँ मैं। तो लीजिए दोस्तों, ये पैन गर्म है, इसमें मैंने हल्का सा तेल डाल दिया है, तेल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। थोड़ा सा जीरा डालूँगा, थोड़ा सा नई खुशबू आ जाएगी मसाले की। और हल्का सा नमक डालूँगा, क्योंकि अब जो मैं चीज़ें डालने जा रहा हूँ उसमें वो कोई भी नमक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये मेरी डाइस वेजिटेबल्स, तो ये मेरी गई इसके अंदर में ये डाइस वेजिटेबल्स, इनको भी बस क्रंची सौते करना है, ज़्यादा हैवीली सौते नहीं करना है। ये भी झटपट ही हो जाएगी, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखें तो हम इनको कच्चा ही खा जाते हैं। तो ये वो सब्जी हैं जिनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कुछ चीज़ों के अंदर में। हाँ, अगर मसाला भुनना पड़े तो नेचुरली फिर तो टाइम लग ही जाता है। बस ये देखिए, इनको फटाफट सौते करना है। और जो हल्का सा नमक डाला है वो भी इनको जल्दी ही टेंडर करने में मदद करेगा। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरी सब्जियां टेंडर हो गई हैं। बस अब मैं इसमें ये पनीर भी डाल दूंगा और इसको भी झटपट सौते कर लूँगा, ताकि ये हर तरफ से थोड़ा बहुत सियर हो जाए और ये सब्जियां और पनीर एक दूसरे का पता आपस में पूछ ले। तो बस पनीर के अंदर में कुछ भी कच्चा नहीं है देखा जाए तो। और ये देखिए, बस झटपट थोड़ा सा सियर करना है, ताकि पनीर जो है ना अपनी बॉडी रिटेन रखे और ये हर तरफ से थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। देखिए, मेरा पनीर अच्छे से आगे पीछे से सियर हो गया। और ये इसे ये देखिए, इन्हें ये देखिए, ये बन गई ना, इसका बॉडी बनना शुरू हो गया। ये देखिए, ऐसे देखिए आप, ये देखिए। बस इसी तरह से सारा पनीर थोड़ा थोड़ा लाल करना है, ताकि ये अपना बॉडी अपनी शेप रिमेन रखे और थोड़ा सा खाने में क्रंच दे। ये देखिए, हाँ, जलाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। और अब मैं डाल दूंगा इसमें ये एक टमाटर। दोस्तों, क्योंकि मेरे पास मसाला थोड़ा है और मेरे को उसी में पूरा करना है, तो इसलिए मैं ये थोड़ी सी ये सब्जियां डाली हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब्जियां हैं तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। क्योंकि मेरा मसाला कम है, तो मसाले के अंदर में सब्जी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर डाला है। बाकी सारे मसाले तो उसके अंदर हैं ही। लीजिए दोस्तों, ये मेरा पनीर और मेरी सब्जियां आपस में घुल मिल गए हैं। अब मैं डाल दूंगा इसके ऊपर में ये थोड़ी सी देगी मिर्च, या कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं इसको, जस्ट फॉर द कलर। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है और मैं तो तीखा खाने के लिए वैसे ही बहुत बदनाम हूँ। तो बस इसको फटाफट आपस में मिलाना है, ताकि ये आपस में घुल मिल जाएँ। और देखिए, इनका रंग, कलर, शक्ल
अभी से कितनी अच्छी आ गई है, जबकि मैंने मसालों के नाम पे अभी तक इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिवाय नमक, जीरा और ये थोड़ी सी कटी हुई सब्जियाँ और टमाटर और थोड़ी सी देगी मिर्च। तो बस दोस्तों, अब मैं डालूँगा इसमें ये अपना जो मेरा पास ये जो अचारी मसाला बचा था, बस इसी को डालूँगा। बस मैं मिलता हूँ आपसे, बस यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, अब ये मेरा जितना भी मसाला था ये सारा का सारा मेरा गया पनीर में, और इसके अंदर में ये जो थोड़ा सा लगा हुआ है इसमें मैं थोड़ा सा पानी घुमा के इसमें डाल दूँगा, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए। और ये सेमी ड्राई बनाऊँगा मैं, पहले तो फ़िलहाल इनको आपस में मिला दूँगा, ताकि ये एक दूसरे का हालचाल भी पूछ ले और मिल भी लें। कब के बिछड़े आज मिले हैं सनम, देखिए। और पानी इसलिए डालूँगा ताकि जो पनीर है ये अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले। और ये मैं सेमी ड्राई बनाऊँगा, फुल लिक्विड ही नहीं बनाऊँगा। तो बस इनको आपस में मिलने देता हूँ और मैं आया छोटा सा थोड़ा सा पानी लेके। तो लीजिए दोस्तों, ये सब चीज़ों ने अपना अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगा ये जिस बर्तन में था उसी में थोड़ा सा पानी मिला के, और बस इनको आपस में मिला दूँगा और जस्ट एक बॉयल दूँगा और इसको कवर कर दूँगा। उसके बाद में इनको इसी की हीट में छोड़ दूँगा, ताकि ये आपस में अच्छे से रच बस जाएं और पनीर का जो भी फीकापन है वो इस ग्रेवी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले और बस मिल घुल जाए। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, ये बातें बातों में मेरा अचारी पनीर तैयार हो गया, ये देखिए। और ये देखिए क्या शानदार रंग आया है इसका आपस में घुल मिल के, और स्वाद और खुशबू की तो बात ही क्या कहूँ मैं। पड़ोसी भी खड़े हो के देख रहे हैं कि भाई क्या खुशबू आ रही है आज, क्या बना रहे हैं, अचार का मौसम तो नहीं है पर ये क्या अचार बना रहे हैं, ये देखिए। बस अब इसको गैस बंद करके मैं इसी की हीट में इसको थोड़ी देर के लिए सिमर कर दूंगा, ठंडा होने दूंगा, और फिर ये रेडी टू सर्व है। बस मैं मिलता हूँ इसको सर्व करने से पहले, यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, बस ये अब कहता है कि मैं तैयार हूँ, बस मेरा नान रोटी परांठे किसी से भी मेरा रिश्ता करा दो, जिसके साथ भी खाओगे उसी के साथ में खाया जाऊंगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास मेरा अचारी पनीर मेरे अचारी मसाले के बचे हुए मसाले से मैंने झटपट बना लिया। तो दोस्तों, महंगाई का टाइम है इस समय, तो जो दो पैसे बच जाए वो भी अच्छा, और चीज़ अच्छी और स्वाद बन जाए उसी से तो क्या ही बात है। तो ये देखिए मेरा अचारी पनीर फर्स्ट क्लास तैयार। तो बस ये देखिए, आप भी बनाइए और बताइए आपने बनाया तो कैसा बना, और कोई प्रॉब्लम आई तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिखिए। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहे, क्योंकि मैं हर रोज़ ही वीडियो डालता हूँ और अपने सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ हर रोज़ शेयर करता हूँ। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी आसान बनाई, आप भी अपनी ज़िंदगी आसान बनाइए और खाते जाइए, मौज मनाते जाइए। बस शेफ़ राजेश मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, तंदुरुस्त हो, और आप खाते पीते मौज मनाते रहिए। तो बस ये रहा मेरा अचारी पनीर, देखिए लाजवाब। तो बस मिलता हूँ कल नई रेसिपी, नई टिप, नई ट्रिक के साथ में। शेफ राजेश फ्रॉम देसी शेफ लिटिल किचन, आपका दिन वंस अगेन शुभ हो।